जैसे ही इंटरव्यू होता है उसके थोड़े टाइम बाद ही नेक्स्ट ईयर का नोटिफिकेशन निकाल देता है और कितनी स्पीडली और कितने पंक्चुअल वो अपने प्रोसेस के अंदर है वो में क्वाइट क्लियरली विजिबल है एक एविडेंट प्रूफ है उसका अपने तीन साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे एच सी का तो विद ऑल दिस एंड माइंड जस्ट गेयर अप नाउ नेक्स्ट ईयर के एच के लिए पूरा प्रिपरेशन मोड के अंदर आ जाइए गेयर अप हो जाइए बिकॉज किसी भी टाइम निकल सकता है फिर उसके बाद आपका प्रिलिम्स मेन्स और इंटरव्यू डेफिनेटली गो ना कनेक्ट इन वेरी लेस टाइम बहुत ही जल्दी होने वाला है राइट right?

अपनी बिल्डिंग क्या है हमारा एस जो हमारा एग्जाम हमारा टारगेट है तो एन तो करनी मस्ट है ही है बट अगर आप उससे पूछो कि क्या एन इनफ है सो आंसर विल बी क्लियरली नो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आप एन करके चले गए तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ऐसा नहीं है एन सी आर टी कवर्स लाइक ट्वेंटी थर्टी परसेंट ऑफ योर सिलेबस राइट बट ट्वेंटी थर्टी परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो so उसको नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता दैट इज़ द रीजन दे कैरी अ ह्यूज वेटेज राइट इन योर प्रिपरेशन तो इनको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर, तो बहुत सारी है सारी नहीं करनी जो इंपॉर्टेंट है वो करनी है और अभी वही देखेंगे हम कौन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको अच्छे से कवर करनी बनती है राइट सो लेट स्टार्ट सी यहाँ पर टॉपिक वाइज देखते चले तो जाते हैं सब्जेक्ट वाइज देखते जाते हैं तो सबसे पहले अपना आता है ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो जोग्राफी के अंदर सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीआरटी कौन सी है इलेवंथ और ट्वेल्थ वाली वो तो मस्ट है इलेवंथ और ट्वेल्थ वाली एन तो आपको करनी ही करनी है इलेवंथ एंड ट्वेल्थ राइट बट इसके अलावा आपको सिक्स टू टेंथ वाली एन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है राइट सिक्स टू टेंथ वाली एन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी कवर करनी है बट सबसे पहले आपको टेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ वाली तो इसको तो मिस आउट कर ही नहीं सकते देन एटलेस एटलेस को भी फॉलो करना है राइट एटलेस को भी फॉलो करते रहना है तो so, ये इंपॉर्टेंट है पहली बात तो जोग्राफी की अगर की बात करें देन कम्स पॉलिटी राइट अब पॉलिटी की आप मुझसे बात करें तो so, पॉलिटी के अंदर नाइन्थ टू टेंथ के अंदर नाइन्थ टू ट्वेल्थ की एन है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है इसके अंदर क्लास इलेवेंथ की एक एनसीआरटी आती है क्लास इलेवेंथ एनसीआरटी एक वो इंपॉर्टेंट है प्लस एक पॉलिटिकल थ्योरी एनसीआरटी है पॉलिटिकल थ्योरी ये दो एनसीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल थ्योरी प्लस क्लास इलेवेंथ की एनसीआरटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क प्लस पॉलिटिकल थ्योरी ये दो बिकॉज पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली क्या है एनसीआर टी के अंदर बेसिकली आपके जो है, 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 थिंकर्स like right? kind of हैं कुछ पॉलिटिकल थाट्स हैं जो बेसिक्स हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है लाइक वॉट आर द रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज राइट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर गिवन इन पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठ के आए हुए हैं एच के अंदर पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में भी क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं यहाँ से तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको मिस आउट नहीं करना ओके देन कम्स जो भी बता रहा हूँ उसको साथ के साथ आप नोट डाउन भी करते रहिए साथ के साथ नहीं तो अब या फिर वीडियो दोबारा देख लेना ओके okay? इकोनॉमी अब इकोनॉमी के अंदर क्लास इलेवंथ की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी उसमें बेसिक्स ऑफ आपके इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री के बारे में बेसिकली इंडियन इकोनॉमी करके बुक है इंडियन इकोनॉमी ऐसे क्लास इलेवेंथ की एनसीईआरटी है और इसके अलावा ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी भी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है दैट इज अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स दीज़ टू एन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी वाली बुक Because इसके अंदर आपको पता लगेगा कि इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या सिचुएशन रही है कैसे उन्होंने ग्रो किया कौन कौन से हर्डल्स उन्होंने फेस किए थे कोई क्राइसिस आया था नहीं आया था राइट अभी जो सिनारी और पहले इकोनॉमी में बहुत डिफरेंट है डिफरेंस है तो वो आपको इस बुक से पता लगेगा देन एनशियंट हिस्ट्री अब आते है बात अपनी हिस्ट्री में हिस्ट्री के अंदर भी चार पार्ट्स हैं अपने आप पर सब्जेक्ट्स हैं एंशियंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल राइट तो एनशियंट हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा स्पेशली आपको डाउट्स आते हैं कि बच्चों की न्यू एनसीआर करें या ओल्ड एनसीआर करें तो आई वुड स्टे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिक विद वन इफ यू आर डूइंग ओल्ड एनसीआर देन डू ओल्ड एनसीआर टी कंप्लीटली इफ यू आर डूइंग न्यू एनसीआर देन जस्ट डू न्यू एनसीआर दोनों को साथ साथ नहीं चलाना दोनों को साथ चलाओगे तो ना ओल्ड याद रहेगी ना न्यू याद रहेगी एटलीस्ट एक पे स्टिक रहो एंड माय एडवाइस विल बी गो फॉर न्यू एन सी बिकॉज जो रिसेंट ट्रेंड है इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं बजाय ओल्ड एन सी के ऑल दो ओल्ड एन सी आर लाइक कि वहां से चीजें समझने में थोड़ा ईजी रहता है बट अगर क्वेश्चन बैंक की बात करें तो न्यू एन सी आर टीज बुक न्यू एन सी के अंदर कौन कौन से एंशंट हिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर आएंगे आपकी आवर पास वन थीम पार्ट वन आवर पास वन सिक्स क्लास की बुक का एक हिस्ट्री की सिक्स सेवन्थ एट्थ ऐसे तीन बुक्स आएंगी आपकी आवर पास वन आवर पास टू आवर पास थ्री और आवर पास थ्री के भी दो पार्ट्स हैं राइट तो दीज एनसीआर टी होगी उसके अलावा फिर आपके थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट टू और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थ्री तो ये आपका एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से कवर होगा थीम्स और आवर पास्टे एन सी आर टीस के नेम है बुक्स के टाइटल्स है ओके देन कम्स वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी न्यू एनसीआरटी फॉलो करनी है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी न्यू एनसीआरटी आपको फॉलो करनी है किसके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए राइट right? ये किसके लिए लिखा है मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री राइट तो यहां तक अपनी हिस्ट्री भी कवर होगी जोग्राफी होगी पॉलिटी होगी एंड इकोनॉमी होगी देन हिस्ट्री ऑल डन अब आज आती है आर्ट एंड कल्चर की फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड यू आर्ट एंड कल्चर को एक सेपरेट सब्जेक्ट समझ के मत पढ़ना कभी भी ये अपने आप में सब्जेक्ट बना के बैठ जाओ इसको इसको हमेशा हिस्ट्री के साथ पढ़ना है स्पेशली एनशियट हिस्ट्री के साथ पढ़ना है एंशियट मेडिवल के साथ साथ समझ के पढ़ना है एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लॉजिक होना चाहिए कनेक्शनस होने चाहिए इसको स्टैंड अलोन करके नहीं पढ़ना अपने सब्जेक्ट बना के एक तो बर्डन बढ़ेगा खाम खा आपका का राइट अब बुक की बात करो एनशियट कल्चर में तो एलेवेंथ क्लास की एक बुक आती है अपनी फ़ाइन आर्ट्स की बुक आती है राइट फाइन आर्ट्स की बुक आती है ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है पतली सी बुक है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली इसके अंदर जो रेड पेजेस है चैप्टर्स के एंड में दिए होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वहां से क्वेश्चन उठ के आते हैं डायरेक्ट उसको तो मिस आउट करना ही नहीं है तो ये होगी आपकी आर्ट एंड कल्चर भी कवर होगी देन कम्स इंटरनेशनल रिलेशन आई आर आई आर के अंदर क्लास ट्वेल्थ की एन टी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसको कवर करना है इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल आते हैं देन कम्स साइंस एंड टेक साइंस ये तो मैं कहूँगा घोट के पी जाओ अच्छे से जहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक्स्थ से तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एन सी कौन सी हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नाइंथ एंड टेंथ वाली बट बट आप बाकी एन को सिक्स टू एट्थ वाली को भी इग्नोर नहीं कर सकते उसको भी कवर करना है लेकिन अगर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करो तो वो नाइन्थ और टेंथ की है लेकिन सिक्स टू टेंथ सारी कवर करनी जरूरी है साइंस का तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहता है इसके प्रीलिम्स की बात करूं अगर मैं राइट देन कम्स एनवायरमेंट एनवायरमेंट के लिए क्लास ट्वेल्थ की साइंस की एनसीईआरटी है एक उसके अंदर खाली इको का पोर्शन है चार चैप्टर है उसके अंदर वो कवर करने बहुत जरूरी है तो दीज कम्स तो यहाँ पर अपनी एन की बात पूरी होती है कि ये वाली सारी एन है हमने एक एक करके सारी कवर कर ली ओके तो नाउ अब आपके सामने जो आपको फ्रेम दिख रहा है

आप भी इसमें से नेक्स्ट ईयर वाले जो फ्रेम है हमारा हमें तो पूरी श्योरिटी है कि हमारा फ्रेम तो डेफिनेटली रिजल्ट हमारा इससे भी ज्यादा अच्छा आने वाला है बिकॉज आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माई टीम अब जो क्वेश्चन उठता है कि क्या आप इस फ्रेम का पार्ट बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम एन एच सी एस टॉपर और नॉट क्या आपको भी अपना ड्रीम पूरा करना है कि नहीं करना एंड आई आई होप कि इसका आंसर यस ही होगा बिकॉज उसके लिए ही उसी आपकी सोल्यूशन उसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए

ज्वाइन इट एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कीजिए इसके अंदर एनरोल कीजिए ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा एच एस प्रपरेशन के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा फिलिम्स मेन्स इंटरव्यू सब कुछ कवर होगा इसके अंदर फुल फ्लैज सोल्यूशन है पूरा एंड टू एंड तक कहीं नहीं जाना कुछ नहीं सोचना राइट ऑफलाइन बैच है ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है बट इट इज एन ऑफलाइन बैच विच इज बिंग स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट ऑफ नवंबर राइट स्पेशली डिज़ाइन फॉर एच सी एस ओनली उसके रिगार्डिंग ये जो like hai, जो एच सी एस में लाइक पॉलिटी है कोई सब्जेक्ट है जो एच सी एस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एच सी एस के लिए कितना पढ़ना चाहिए एच सी एस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बिकॉज डिफरेंस है हर एक एग्जाम एक दूसरे से डिफरेंट होता है एच सी एस इज डिफरेंस फ्रॉम यू पी एस सी राइट लोग क्या करते हैं यूपीएससी पी एस सी एच सी एस को इकट्ठा ही समझ लेते हैं तो लेकिन एच सी एस के लिए हमने स्पेशली इसीलिए स्पेशल डिज़ाइन ये बैच किया आपके लिए एक नंबर से स्टार्ट होने वाला है ज्वाइन इज एट सूट एट पॉसिबल आपको कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सपोर्ट नंबर हमने वहां पर ड्रॉप कर दिया आपके लिए वहां पे कॉल करके पूछ सकते हैं राइट तो विद दिस आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड टिल आवर नेक्स्ट वीडियो आई विश यू ऑल गुड लक एंड बाय बाय